हाय डियर फ्रेंड, आज हम करंट अफेयर चालू कर रहे हैं और आज जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी का ये करंट अफेयर है। तो आप सभी करंट अफेयर भी देखते जाइए, रेगुलर हम करंट अफेयर डालते जाएंगे और करंट अफेयर आप देखते जाइए, ठीक है। आरआरबी जेई के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। उसका विवरण भी दिया गया, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन उज्बेकिस्तान स्थित समरकंद में 12 और 13 जनवरी को 2019 को किया गया था। मतलब 2019 में 12 और 13 को ये उज्बेकिस्तान में भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन पहली बार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है। मतलब 1 मार्च 2019 से उस राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे प्लास्टिक बंद हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। तो पहला ये देखिए, चंडीगढ़, पुडुचेरी, तेलंगाना और गोवा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी। विवरण क्या है, पुडुचेरी सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण हितैषी कदम उठाते हुए एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों पर 1 मार्च 2019 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक है। तो पुडुचेरी याद रखने का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, कुंभ मेले के दौरान मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में कितने स्थानों पर स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है देखिए, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन में दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 4। वातावरण की जानकारी देने तथा अगले दिन के मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए प्रयागराज में 4 अलग अलग स्थानों पर स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बालिका दिवस, सेना दिवस, तकनीतिक दिवस या विज्ञान दिवस। तो 15 जनवरी भी है, तो आज सेना दिवस मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के लिए ही मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। तो ठीक है, ये याद भी रखने का, ठीक है। तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आज ही हमने जैसे कि ऑनलाइन तो हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, और आज से ही हमने ऑफलाइन भी क्लासेस भी स्टार्ट किया है। तो अगर कोई और इंटरेस्टेड है, अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो वापी में हमारा क्लासेस है, गुजरात वापी, ठीक है। तो वहाँ पर भी कोई अटेंड करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सचेंजर के CEO व चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। एक्सचेंजर के CEO और चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो देखिए, ए ऑप्शन है पियरे नांतमी, डेविड रालैंड, मैकवर्थ ओलैंड, जीन पाल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, पियरे नांतमी। पियरे नांतमी 59वें ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्सचेंजर के CFO डेविड रोलैंड को अंतरिम CEO बनाया गया है, ठीक है। एक्सचेंज के CEO और चेयरमैन का जो नाम है जिन्होंने हाल ही में वो दिया है, वो कौन है, पियरे नांतमी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिकता क्षमता अलग अलग होने का दावा किए जाने पर उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए हैं। तो देखिए, ऑप्शन है रॉबर्ट ह्यूम, वेन एडवर्ड, जेम्स वाटसन एंड सीम बटलर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, जेम्स वाटसन। DNA संरचना की खोज में मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए वैज्ञानिक जेम वाटसन ने दावा किया था कि श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, जिसके बाद उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे 3 मानद सम्मान छीन लिए हैं। ये अगर कहने पे ही उनको जो 3 पहले मानद सम्मान थे वो छीन लिए गए, ठीक है। कौन थे, जेम्स वाटसन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? तो क्रिकेट बैट है या बाल्टी है या पेन है या चाबी है? तो चाबी दिया गया है। किसको दिया गया है? शिवपाल यादव को, जो समाजवादी पार्टी के थे, उनको चुनाव चिन्ह क्या दिया गया है? चाबी दी गई है। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुनाव चिन्ह चाबी आवंटित किया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने मंत्री रहे शिवपाल की नई पार्टी का पंजीकरण अक्टूबर 2018 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ताइवान, ठीक है, ताइवान में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सुत्सेंग चांग, आई विंग वांग, हो रे मीन, वैंग उन मीन। तो इसका है सुत्सेंग चांग ने हाल ही में ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। सुत्सेंग चांग ने ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ताइवान नेता त्साई इंग वेन ने हाल ही में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPE की पूर्व प्रमुख सुत्सेंग चांग को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कहाँ का? ताइवान का, याद रखना, सुत्सेंग चेन। ठीक है, सुत्सेंग चांग जो हैं वो ताइवान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में बालांगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी? ठीक है, तो वो कहाँ का है? उड़ीसा का। करेक्ट ऑप्शन क्या है? उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के बालांगीर का दौरा किया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ तथा शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बालांगीर पिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय का आधारशिला भी रखा। ठीक है, तो यह याद रखना कि सोनपुर केंद्रीय विद्यालय का आधारशिला रखे और सोनपुर की बात आती है तो उड़ीसा नाम आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजलस के सांता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए? तो वो है रोमा। ठीक है, अभी उरी भी मूवी आपने देखा होगा, जीरो भी मूवी आई, रोमा आई, रोड आए। ठीक है, तो रोमा मूवी, रोमा नामक फिल्म ने लॉस एंजलस के सांता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए। ठीक है, फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो ये रोमा मूवी। ठीक है, और जो उरी है, उरी के बारे में भी आपको सभी पता है कि जो हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक हमारे इंडियन आर्मी ने किए थे, तो उसके बेस पर ये आधारित ये उरी मूवी बनी है। और जीरो शाहरुख खान की मूवी है। ठीक है, तो ये सारी मूवी हैं। देखिए, अभी जो रोमा की बात हो रही है तो रोमा मूवी भी आप देख के और उसके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ कि देखिए, हर बार एक नया क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कि जैसा कि आपको क्वेश्चन जो भी मिलेंगे वो क्वेश्चंस आपने कमेंट करके ज़रूर उसके आंसर बताने हैं। और वो आंसर ये है, क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अभी तक कितनी योजनाएं अपने, अभी जो उनका 2014 से है तो अभी तक कितनी उन्होंने योजनाएँ लागू की हैं, तो ये काउंट करके आपने ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।